अक्सर डॉक्टर्स ना ये भी समझते हैं होम्योपैथी के लिए एनिमल पैथोलॉजी के खिलाफ, एनिमल सिम्टम्स पर ज्यादा ट्रीटमेंट किया करते थे और पैथोलॉजी के खिलाफ थे। लेकिन चूंकि एनिमल खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, एक मेडिकल मैन थे, इसलिए मालूम वो पैथोलॉजी के खिलाफ नहीं थे। दरअसल उन्होंने पैथोलॉजी का ना बड़ा पॉजिटिव इस्तेमाल किया। वो ये कि जो मैंने अपने अभी केस में कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरी, कि उन्होंने जब सर हम केस चेकिंग करते हैं उसमें अक्सर हमारे साथी भूल रहे हैं, सारे के सारे वही सिम्टम्स लेके रेफरेटराइज करना शुरू कर देते हैं जो सेट ऑफ डिजीज होते हैं, मतलब वो जो डिजीज को मुकम्मल करते हैं, डिजीज की पैथोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मिसाल देता हूँ अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स में यह है कि आपकी लेवर के करीब दर्द होता है, सेंसिटिव टू टच है, एनोरेक्सिया होता है और फीवर हो जाता है काफी। लेकिन हम जब इसी सेट को खा के रिपर्टराइज कर बैठते हैं तो दवाई गलत आ जाती है। अगर हम इसके साथ साथ पेशेंट की दूसरी चीज जनरलिटीज हैं उनको उसको ऐड कर दें, मतलब मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, थर्मल रिएक्शन हो गया, इन चीजों और चीजें दीगर वो बीमारी का निदान करता है जो उसको उस सेट से अनकॉमन कर दे। वो जो सेट ऑफ डिजीज है वो तो कॉमन चीज है, कॉमन टू डिजीज है, हमने अनकॉमन चीज ढूंढनी है, हमने पिक्चुलर रेयर चीजें ढूंढनी है, तो पिक्चुलर रेयर पैथोलॉजी नहीं होती। तो क्योंकि हनीमून को पता होता था कि भाई ये पीआईडी के ये सिम्टम्स हैं, अपेंडिक्स के ये सिम्टम्स हैं, अब जो इनके हिस्ट्री से हट के चीजें पेशेंट पर लगी हुई है वही अनकॉमन चीज है और उन्हीं को हमने जो है लिबर्टी में देखना है। और दूसरी बात यह है कि अब जैसे मियादम्स की बात हो रही है कि मियादम्स के बैकग्राउंड में क्या है, असल में मियादम्स तो आप कह लें कि एक किसी गलत किस्म की चीज है, कुछ सुपेशन हुई हुई है बॉडी के अंदर और वो ऑब्स्टेकल बन गई है आपके, उसको रिकवर नहीं होने दे रही। तो आप हमें कैसे पता चलेगी कि केस में वाकई सुपेशन हुई है? तो ये है कि पैथोलॉजी का जो एक सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं वो मुकम्मल नहीं होते। जिस तरह इंटरमिटेंट फीवर है उसमें अगर एक फेज को गायब है उसका, तो आप समझ लें कि सुप्रेशन है। तीनों फेजेस आएंगे तो आपके क्लियर कट आपके पास केस और सिम्टम्स दे और केस पर दवाई देंगे, वहां फंसेंगे भी नहीं और केस भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर पैथोलॉजी ही उसकी अपनी पैथोलॉजी डिजीज की जो है वो पूरी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पिक्चर डिजीज की अपनी क्लियर नहीं है, वहां कुछ सुप्रेशन हुई है, फिर हम सुप्रेशन की तरफ भी जरा ध्यान देंगे केस टेकिंग करते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि सिम्टम हम वही कर बैठते हैं रिपर्टराइज जो डिजीज के अपने सिम्टम होते हैं, और वहां पर जैसे अभी इन्फ्लेमेशन हो जाती है सर, इन्फ्लेमेटरी केसेस में वो जो एरिया सेंसिटिव टू टच है वो एक होना कॉमन सी बात है, वो कितनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि और वो डिजीज का अपना एक सिम्टम है तो वो भी हम लेके उसको रिपर्टराइज कर देते हैं। ये कुछ ये भी गलतियां हैं हमारी, और पैथोलॉजी हमें इस सिलसिले में मदद दे सकती है। अगर हम पैथोलॉजी को पूरा पढ़ लें, हमें पता होगा कि डिजीज के अपने सिम्टम ये हैं, पेशेंट के अपने सिम्टम ये हैं और ये चीजें अनकॉमन टू डिजीज हैं जी। और दूसरी बात ये कि इसमें प्रोग्नोसिस में हमें बड़ी मदद मिलती है पैथोलॉजी से। प्रोग्नोसिस जो होता है केस का, ये मतलब जो है हमेशा ही जो है ना अपने हामिल को मतलब चीजों को बेहतर तरीके से इंडिविजुलाइज कर सकते हैं, पेशेंट को और डिजीज को आपस में इंडिविजुलाइज, क्योंकि हमने डिजीज को ट्रीट नहीं करना, हमने पेशेंट को ट्रीट करना। तो ये ना मैं तो सर इस पर लिख रहा था, बल्कि हाँ पैथोलॉजी के वाले से हमें फायदा भी देती है, बाज़ औक़ात ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर हमें टोटल पैथोलॉजी पर इंसाफ आना पड़ता है, वहाँ कैंसर की ऐसी प्रेस्क्रिप्शन दी है, लेटर राइट है, वो मैं ग्रिटन में बना रहा हूँ, अच्छी अच्छी बन जाएगी मेरा ख्याल है, वो आप शेयर कर दूंगा मैं भिजवा दूंगा दो चार दिन। तो वो कैंट भी बाल का पैथोलॉजी पर दवाई दे जाना, टोटल पैथोलॉजी जहाँ सिम्टम नहीं मिल रहे तो ऐसी सूरत भी ज्यादा होगी। तो इसलिए हमें जो पैथोलॉजी है उसको समझ लेना चाहिए और ताकि हमें पैथोलॉजिकल सिम्टम्स का पता, ये डिजीज जो है इसके लिए सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं तभी डिजीज पाती है, ठीक है ना सर? और ये सिर्फ पैथोलॉजी हमें
कुछ ऐसा भी करती है फायदा देती है कि चांद मेडिसिन के ग्रुप की तरफ हमें ले जाती है, ये भी हमें फायदा देती है कि वो एक ग्रुप की तरफ हमें वहाँ मगलाई कर जिस तरह फाइब्रॉइड का केस है तो आप फाइब्रॉइड की रेमेडीज वगैरह देखेंगे तो इस तरह ना हमें काफ़ी फायदा मिलता है अगर हम इसको अच्छे तरीके से अपनी मतलब स्टडी में ले आते हैं। ये सर चीज का सीन उसका हाँ जी ये बड़ा अच्छा सीन है उसमें जो स्वभाव का नाम डॉक्टर साहब ने जो ये 2 बजे हैं अनकॉमन अनकॉमन चीज़ों को लेने की वजह ये है कि हमन जो है वो सिर्फ पैथोलॉजी नहीं वो ग्रेटर पैथोलॉजी की तरफ जाना चाहता है। एक है नमूनिया कि जैसे आपने पहले से कुछ डॉक्टरों ने उसकी तशहीर की कुछ अलामत मुकर की हुई इस तरह जैसे मलेरिया है कुछ अब मलेरिया की बड़ी आगे फॉर्म निकल आई है ना बड़ी मुश्किल हो गई है। देखिए ये है कि पहले से जो मलेरिया की वो अलामत लिखी हुई हैं कि ये मलेरिया की अलामत होती हैं अब मलेरिया की अलामत उसके अलावा होती हैं और अब मलेरिया का जब आप इलाज करते हैं तो आप कहते हैं कि ये आप डायग्नोस्टिक जो है ना वो लेबॉरेटरी में डायग्नोस्टिक जरा सीमा है। अब अगर कोई आदमी ऐसे सिम्टोमेटिक उनके यहाँ पे इलाज करता है दवाई देता है मेरी के अलामत तो वो कहते हैं कि ये मतलब मलेरिया तो हो सकता है मलेरिया हो भी सकता है मलेरिया नहीं भी हो सकता अलामत हो भी सकती है इससे नहीं भी हो सकती है लेकिन ये आप कह नहीं सकते हो कि ये मलेरिया वो कहते हैं पहले टेस्ट करो क्या इसमें जो है पाया जा सकता मेरी पैथ है। तो अब कोई भी जमाना होगा तो जब आप जरासीम पे जाएंगे तो हर एक चीज की नवा जरासीम की मुमकिन भी नहीं होती उस जमाने में इतनी अच्छी भी नहीं हम लोग के जमाने में अगर ये चीज़ें बनी होती लेबॉरेटरी प्रोसीजर चीज़ें तो शायद हम लोग और भी आगे दे रहे और शायद आपके लिए दवाएं जो है मुख्य करना आसान भी होती हैं और बड़ा फर्टाइल दें समझ शायद कुछ और देते हैं सामने आती हैं लेकिन वो नहीं आ सकी तो हनमन जो है वो बेसिकली ग्रेटर पैथोलॉजी तक जाना लाजे उन्होंने बर्न गॉसन को जो ग्राफ दिया वो उससे लिखे को बनाए तो उसने ये कहा कि हनमन ने अब उन्होंने क्या किया बर्न गॉसन ने बर्न गॉसन ने ये किया उन्होंने डिजीज तो आपने ले लिया लेकिन आप कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम को नहीं चाहिए कहते कि वे तो ग्रेटर पैथोलॉजी है कि एक मरीज है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं मुख्तलिफ ऑर्गन एक ऑर्गन में एक डिजीज है और उसकी अलामत मरीज लेकर आए और एट ए टाइम किसी दूसरे ऑर्गन में भी एक अलामत मौजूद है उसके साथ साथ ही चल रही तो कहते कि उसे ना छोड़ कहते कि इट इज़ अ ग्रेटर पैथोलॉजी वो जो आपने ऑर्गन देके उसके अंडर जो आपने पैथोलॉजी रख के जो आपने डिजीज का डायग्नोस किया ये डिजीज है नमूनिया है तो कहते कि ये ग्रेटर पैथोलॉजी है कि इसके साथ नमूनिया के साथ आपको सरदर्द भी हो या इसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो तो वो बेसिकली वो कहते थे कि जब आप स्मॉलर पैथोलॉजी को लेंगे तो ये आप कवर नहीं कर सकेंगे दवाओं से और ठीक नहीं कर सकेंगे जब ग्रेटर पैथोलॉजी लेंगे तो फिर आप कवर कर सकेंगे ठीक नहीं कर सकेंगे। फिर उन्होंने वो किया भी और उन्होंने देखा कि जब वो अलामत दूर पार की भी जो साथ मौजूद होती थी वो लेते थे तो मरीज ज़्यादा शिफा होता था। एक तो वो इस पैथोलॉजी को कम्प्लीट करना चाहते ठीक है एक चीज़ दूसरा ये था कि वो कहते थे कि जिस तरह एक आदमी लेकर आया है बुखार को लेकर आया है अब आप उनसे उसने भी एम्फसाइज किया है कि बुखार है आपने भी एम्फसाइज किया है कि बुखार है
कोई भी एक बुखार ले लें, मलेरिया ही ले लें, लेकिन वो कहते हैं कि साथ अगर एक और चीज मौजूद है बॉडी में और मरीज उसका आधार कर रहा है, वो चीज मौजूद है, तो आप मैं इसलिए उसे छोड़ देंगे कि उसके लिए वो शोर नहीं मचाता है या वो चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है या वो बड़ी एविडेंट नहीं है, आप उसे देख नहीं सकते या वो उसे ज्यादा तरजीह नहीं देता या उसके लिए वो आया नहीं, तो आप कहते हैं छोड़िए कि एक बंदा तो एक है, सारा सिस्टम आपस में मजबूत है, सारा सिस्टम जो है सारी लामात तो गोया इस तरह उन्होंने एक कम्प्लीट पिक्चर जो है ना डिजीज की बनानी चाहिए। और इसे इन्होंने जैसे आगाज किया था ना इस बात का कि भाई वो जो मरीज है मरीज का इलाज करते हैं और मर्ज करने उसके मीनिंग ये हैं कि हम मरीज किसी बात को नहीं छोड़ते, ये नहीं कि हम मर्ज को उसका इलाज नहीं करते, मर्ज का इलाज तो करते ही लेकिन किसी चीज़ को नहीं छोड़ते, जब हम मरीज की किसी भी चीज़ को ना छोड़ें और उसके अंदर उसकी डिलीज भी ले लें और किसी भी और बात को ना छोड़ें जो उसमें वाले तौर पर मौजूद है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हम मरीज का इलाज कर रहे हैं, यानी पूरे के पूरे आदमी का इलाज कर रहे हैं। और फिर ऐसी दवाओं से जब इलाज होता है तो वो शफा निश्चित में ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और ज़्यादा बेहतर चीज़ें। एक चीज की बात ये भी